गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुज्जर के बयान ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक ने बयान दिया है कि बकरे की कुर्बानी देने वाला अगले जन्म में बकरा बनेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी विधायक के बयान को विवादित बताया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुज्जर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि विधायक ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने बकरे की कुर्बानी की तो आप अगले जन्म में बकरा बनेंगे। ऐसे में तो दुनिया में इंसान ही नहीं बचेंगे, सिर्फ जानवर ही रहेंगे और पार्लियामेंट में भी जानवर ही बैठा करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। विधायक का बयान सुनकर उन्हें दुख भी होता है। उन्होंने कहा कि पशुओं की कुर्बानियां एक परंपरा है और यह चली आ रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। देखिए, बड़ा अहमकाना बयान है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आपने अगर बकरे की कुर्बानी करी तो अगले जन्म में आप बकरा बन जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग हैं। हमने बड़े बड़े हिंदू धर्म के बड़े बड़े उनके रहनुमाओं से भी हमारी बात होती है, कभी आज तक किसी ने हिंदू धर्म के मानने वालों ने उनसे ऐसी बात नहीं की। अगर बकरा ही बनना होता तो इसका मतलब तो ये होगा कि अगले शायद 50-100 साल के अंदर तो दुनिया के अंदर मुर्गे बकरे भैंसे ही होंगी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, इंसान तो बचेगा नहीं। और हो सकता है पार्लियामेंट में भी यही सब चीज़ें बैठा करेंगी, इंसान कहाँ बचेंगे। तो ये इतनी बेवकूफ़ी का बयान, वो बयान ये इसलिए दिया करते हैं कि इनका एक एजेंडा है कि किस तरह से समाज को बांटा जाए और किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। समाज भी अब इनकी बातों से तंग आ चुका है, कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और रोटियां सेकते रहेंगे। इनका कहना है कराना कि जिन लोगों को कुर्बानी देनी को अपने बच्चों की कुर्बानी दें, इस तरह का देखिए मुझे इस बयान पे उनके तरस आता है। ये जिहालत का बयान, उन्हें इतना तारीख का पता है, कुर्बानी इस्लाम के आने से पहले से चल रही थी। ये कुर्बानी 5000 साल पहले दी गई थी और अपने बच्चे की अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी, लेकिन जब वो बच्चे को कुर्बान करने गए थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने अपनी ताकत से अपने जिसे आप अल्लाह कहें ईश्वर कहें उसने उनको हटा के वहाँ पे एक बकरा या दुम्बा कर दिया था, उसकी कुर्बानी हुई थी। वो कुर्बानी हो रही, सारे मज़हबों में आज कुर्बानियाँ होती हैं, हिंदू धर्म में भी कुर्बानियाँ होती हैं और आज भी हो रही हैं। कितने मंदिर में आपको गिना दूँ जहाँ पे के बलि चढ़ती है। ये परंपराएं हैं, चली आ रही हैं और हम सब मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं, अल्लाह ईश्वर को मानते हैं और हम जानते हैं कि इस दुनिया में ज़मीन से आसमान तक का मालिक सिर्फ वही है, उसी के हुक्म से सब कुछ होता है, इसलिए उसको खुश करने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ बलि दी जाती है लेकिन अब हम इसको देखते हुए हम नारियल फोड़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से कुछ कदम उठाने जाना चाहिए क्योंकि हम बलि नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी बलि दी जाती है। तो वो नारियल फोड़ना भी बलि थोड़ी हो गई, नारियल फोड़ना तो अलग बात हो गई, नारियल में और बलि में तो बहुत फर्क हो गया। अब आदमी उसको कुछ भी किसी तरह से उसको मोल्ड कर ले या उसको बदल ले, वो तो आदमी के अपने ऊपर है। आप कुछ भी करें तो आप अपने विचार दूसरे में क्यों थोप रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.